फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। गाजियाबाद में एक हत्या के मामले में वांछित एक भगोड़े सहित तीन बेताब अपराधियों को पूर्वी दिल्ली की एटीएस ट्राम द्वारा गिरफ्तार किए गए। पूर्वी दिल्ली जिला की डीपी अपूर्वा गुप्ता ने मीडिया को बताया, क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों को पकड़ने के लिए एटीएस के प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एटीएस पूर्वी जिले के पुलिस अधिकारियों की एक समर्पित टीम बनाई गई, जिसमें एसआई मनोज सोलंकी, एएसआई राजीव, हेड कांस्टेबल सुनील, हेड कांस्टेबल अनुज, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल अंकित शामिल गाहे टीम में। दिनांक 5 मार्च 2024 को एसआई मनोज सोलंकी को सूचना प्राप्त हुई कि एक अंतर्राज्यीय अपराधी अपने साथियों के साथ चोरी की स्विफ्ट कार में चिल्ला बॉर्डर फ्लाईओवर और होटल क्राउन प्लाजा मयूर विहार दिल्ली के पास पार्किंग पर इरादे से आएगा अपराध करना। जानकारी से यह भी पता चला कि अपराधी अवैध आग्नेयास्त्रों से लैस थे। इस खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए टीम बताए गए स्थान पर आगे बढ़ी और अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उन्होंने चिल्ला बॉर्डर फ्लाईओवर मयूर विहार दिल्ली के पास एक सिल्वर रंग की स्विफ्ट कार खड़ी देखी और मुखबिर से पुष्टि होने पर तेजी से वाहन को कवर करने के लिए आगे बढ़े। पुलिस की मौजूदगी का एहसास होने पर अपराधियों में से एक, जिसकी पहचान बाद में सुमित के रूप में हुई, ने पुलिस पार्टी पर पिस्तौल लहराते हुए घटनास्थल से भागने का प्रयास किया। थोड़ी देर पीछा करने के बाद पुलिस उसे काबू करने में कामयाब रही, जबकि अन्य दो अपराधियों को कार से ही पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी पहचान, एक सुमित उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम भैसरावली थाना तिगांव फरीदाबाद हरियाणा, दो गुरविंदर सिंह उर्फ सोनू उम्र 48 वर्ष निवासी कृष ना पार्क महावीर नगर तिलक नगर के रूप में बताई दिल्ली, और तीन विकास उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नखडोला थाना खेड़की दौला जिला गुरुग्राम हरियाणा। अभी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एटीएस यूनिट ने जितने भी ऑटो लिफ्टर्स हैं और डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने की एक मुहिम जारी की है। इसी के मद्देनज़र एक इन्फॉर्मेशन डेवलप की गई थी, जिसमें कि एक ट्रैप के ज़रिए हमने तीन लोग पकड़े। उसमें से एक आदमी जो हमने पकड़ा वो सुमित नागर था। ही इज़ अ वांटेड क्रिमिनल इन मर्डर केस इन गाज़ियाबाद यूपी। ये एक महमूदपुर गांव में ग्राम प्रधान के हत्या के मामले में फरार था। इन पे 25,000 इनाम था, ये पकड़े गए हैं। और इसके अलावा दो और लोग, जो कि एक स्टोलन स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी उसको चोरी करके उसको आगे बेचने के फिराक में थे। तो ये तीन लोग हमने पकड़े हैं, गाड़ी रिकवर की है। गाड़ी दिसंबर 2023 में पलवल सदर फरीदाबाद से चोरी थी। वहाँ से पिस्टल दिखा के शायद हमें पता चला है कि इन्होंने वो गाड़ी उठाई थी। आरोपियों की प्रोफाइल क्या है? आरोपियों की प्रोफाइल जो हमें पता चली है तो ये बिन्नू भैसरवाला भैसरावली गैंग के मेंबर्स बताए जा रहे हैं। इस चीज़ को हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं।